रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो बेसिकली हम बातचीत कर रहे हैं आपके साथ अपने डेटा के ऊपर, और डेटा को हम जिस कॉपी पेस्ट करेंगे इसको कॉपी करके जहाँ पेस्ट करना जैसा है वैसा पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। बट एक्सेल में हमारे पास एक ऑप्शन होता है पेस्ट स्पेशल का, राइट क्लिक करके भी पेस्ट स्पेशल को लाया जा सकता है, या फिर आप जहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं पेस्ट के नीचे छोटा सा एरो के निशान दिख रहा होगा, जब इस पर क्लिक करेंगे तो पेस्ट स्पेशल आता है। तो पेस्ट स्पेशल हमें फैसिलिटी देता है कि जो आपने कॉपी किया है ना उसका पूरा का पूरा पार्ट आपको पेस्ट करना है या कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स को पेस्ट करना है, ठीक है? आपने जो कॉपी किया है उस पूरे पार्ट को पेस्ट करना है या एक पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट करना है, ये हमें अलाउ करता है। तो यहाँ पे हमने क्या किए, यहाँ पे से हमने फॉर्मूला सिलेक्ट किया, ऑल करते हैं तो जैसा वैसा कॉपी पेस्ट की तरह होगा। ऑल अगर करता हूँ तो देखिएगा कि सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट होता है। अब फॉर्मूला से कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि नेम में कोई फॉर्मूला तो नहीं है, रोल नंबर में कोई फॉर्मूला तो नहीं है, फिर क्यों पेस्ट किया? तो फॉर्मूला का मतलब होता है जो फॉर्मूला बार में विजुअल है, जब ऊपर जिसको फॉर्मूला बार कहते हैं यही पे एक्चुअल वैल्यू दिखती है कि आपका फॉर्मूला लगा हुआ है या फिर आपका नॉर्मल नंबर है या टेक्स्ट है। तो जो फॉर्मूला बार में विजुअल है ना बस उसी को कॉपी पेस्ट यहाँ पे करता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें फॉर्मूला भी नहीं पेस्ट चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए, मतलब जो सामने विजुअल है ना वो चाहिए। तो यहाँ वैल्यू को सिलेक्ट करके ओके करते हैं। तो यहाँ देखिए कि इसमें अब रैंड बिटवीन का फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, क्योंकि इसने फॉर्मूले को रिमूव करके पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट एज ए वैल्यू, तो पेस्ट जो वैल्यू का काम क्या करते हैं कि कॉपी करके कहीं और जगह पे हम फॉर्मूला रिमूव करके पेस्ट करते हैं। तो रैंड यहाँ पे एक चीज़ और भी होती है कि हमने मान लीजिए यहाँ पर जो रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा है मैं उसे रिमूव करना चाहता हूँ, मतलब कॉपी करके कहीं और नहीं पेस्ट करना है हमें, फॉर्मूला हटा के हमें उसी जगह पे जहाँ पे मेरा डेटा लगा है उसी पे मुझे अपनी फॉर्मूला को रिप्लेस करना है। तो हम कॉपी करते हैं पेस्ट स्पेशल और यहीं पे करते हैं वैल्यू, क्या करते हैं वैल्यू, और जस्ट ओके करेंगे तो आपका फॉर्मूला रिप्लेस हो जाएगा आपकी वैल्यू से। इसका यूज हम लोग ऑफिस वगैरह में रिपोर्ट्स वगैरह में करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक अटेंडेंस का फॉर्मेट ही तैयार कर रखा है, ये देखिए दिख रहा है फॉर्मेट। अब मैं यहाँ से डेट सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने अगर सेलेक्ट कर लिया जुलाई तो पूरा रिपोर्ट जुलाई की तरह हो जाता है, हो गया सर। और इसमें इसने लंबे लंबे फॉर्मूले लगे हुए हैं, दिख रहा है, जो कि कनेक्टेड है मेरे कई सारे शीट से। अब मुझे इस रिपोर्ट को मान लीजिए बॉस ने बोला कि यार मुझे अटेंडेंस रिपोर्ट भेज दो, तो मुझे सिर्फ इस रिपोर्ट इसको भेजना है, मतलब कि पूरा फाइल भेजना है, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे सैलरी है, सैलरी का डेटा है, पे स्लिप है, लोन का डेटा है, बहुत सारी चीज़ें इसमें है पहले से लगा हुआ। तो सो हम इसको नहीं भेजना चाहते हैं पूरी फाइल, हमें सिर्फ भेजना है शीट वन। तो हमें शीट वन पे राइट क्लिक करेंगे, मूव एंड कॉपी, यहाँ क्रिएट कॉपी पे क्लिक जरूर कीजिए वरना मूव हो जाएगा, और यहाँ पे न्यू वर्कबुक ओके किया। ओके करते हैं आप देख सकते हैं कि नई फाइल में हमारा शीट आ गया, लेकिन अभी भी आप फॉर्मूला देखिए, यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है ना कि मेरे जो ऑटो अटेंडेंस वाली फाइल है उससे कनेक्टेड है। अब मेरे सिस्टम पे तो रिपोर्ट दिख रहा है क्योंकि तो मेरे पास ये फाइल ओपन है, ठीक है हाँ। बट आपके पास से नहीं चलेगा, जो जिसको भेजूंगा उनके पास नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक फाइल भेजूंगा ना, ऑटो अटेंडेंस फाइल थोड़ी भेजूंगा उनको मैं, नहीं। तो मैं चाहता हूँ अपना रिमूव करना। आपको प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला भी लगे हुए हैं और बहुत चीज पिक्चर वगैरह भी हो सकते हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा कि फॉर्मूले वाले एरिया को कॉपी करूँगा और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल
यहां पे कर दूंगा वैल्यू। अब देखिए सारा फॉर्मूला गायब हो गया क्या सर? हाँ हो गया। अब सेव करके भेज दीजिए। तो हमें रिपोर्ट्स वगैरह भी आगे भेजने में अगर हमें फॉर्मूला नहीं चाहिए होता है तो इसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि मैंने मान लीजिए कॉपी किया और मुझे इसकी तरह फॉर्मेटिंग चाहिए, तो पेस्ट स्पेशल में हम यहाँ पे फॉर्मेट को सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जस्ट उसकी फॉर्मेटिंग आ रही है। पेस्ट पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे अगर मान लीजिए कमेंट्स, अब कमेंट्स क्या होता है इस चीज को जान लेते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है। राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे न्यू कमेंट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ दिस इज फाइनल मार्क्स, ठीक है? अब हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा कमेंट यहाँ पेस्ट हो, डेटा पेस्ट ना हो, फॉर्मेटिंग पेस्ट ना हो, फॉर्मूला पेस्ट ना हो। तो पेस्ट स्पेशल में हमने कमेंट्स को सिलेक्ट किया, एलोकेट कर दिया। तो कमेंट्स क्या होता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है, जब किस पर कर्सर जाएगा तभी दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। यहाँ भी सेम। ओके सर, ओके। आपको पेस्ट करना है, बॉर्डर नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए। जो बॉर्डर मतलब जो लाइन, जो ए लाइनिंग जो दिख रहा है वो ग्रिड लाइन करते हैं, ये आपका प्रिंट पे नहीं आता। देखिए प्रिंट पे ब्लैंक आएगा, आएगा ना? प्रिंट पे वही लाइन आता है जो आपने बॉर्डर यहाँ से लगाई हुई है। तो मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ, मैं चाहता हूँ सब कुछ आए, इसका बॉर्डर ना आए, तो पेस्ट स्पेशल में हम ऑल स्टैक्ड बॉर्डर यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम अपने कॉलम पे यहाँ डबल क्लिक कर देते हैं ताकि ये ऑटो फिट हो जाता है। डबल क्लिक करने से क्या हो जाता है? ऑटो फिट। जैसे डबल क्लिक करते हैं ये हमारा ऑटो फिट हो जाता है। जब मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद कहीं पेस्ट करता हूँ तो मेरा कॉलम का विड्थ पेस्ट नहीं होता है। अभी भी आपने रिपोर्ट देखा, उसमें मैंने कॉलम को छोटा कर रखा था, एक पेज में प्रिंट हो इस हिसाब से मैंने सेट कर रखा था। आपने उसको कहीं कॉपी किया तो पता चला कि वो पेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है? हाँ, तो उस केस में हमें पेस्ट स्पेशल में हमारे पास कॉलम विड्थ होता है। क्या होता है? कॉलम विड्थ। इसको ओके करते हैं तो ये हमारा कॉलम विड्थ पेस्ट हुआ। हाँ ठीक है सर, क्लियर है? लेकिन क्या होगा, ध्यान रखिएगा, जब आप पेस्ट स्पेशल करते हैं ना और कॉलम विड्थ लेते हैं, जस्ट कॉलम का विड्थ पेस्ट होता है, डेटा पेस्ट नहीं होता है। पेस्ट स्पेशल, ठीक है? पेस्ट स्पेशल में सिर्फ कॉलम विड्थ होता है। बराबर, हाँ समझ गया सर? समझ गया। लेकिन अगर आप चाहते हो कॉलम जो है वो विड्थ भी आए और डेटा भी आए, तो आप ये आइकन्स दे, पेस्ट स्पेशल के आइकन्स भी होते हैं सर। अब इस आइकन पे जाइएगा ना तो आपको ये आइकन दिखेगा, इस पे आएगा कीप सोर्स कॉलम विड्थ, उसमें कॉलम के विड्थ भी आएगा और बाकी सब आएगा, ठीक है? अब आप डेटा के अंदर आप डेट भी रखते होंगे। चलिए यहाँ पे हम डेटा के अंदर डेट को डाल के देखते हैं। डेट ठीक है, अब इसको हम लोग जो क्या होता है कि डेट को जब कॉपी करके पेस्ट स्पेशल में वैल्यू करते हैं ना तो इस तरह का नंबर आ जाता है। तो पहले तो जानते हैं कि नंबर होता क्या है। ओके, समझे?
पहले हम हाँ जानेंगे कि एक नंबर होता क्या है, हाँ नंबर होता क्या है। हाँ क्या? देखिए, क्या जब भी हम कोई डेट डालते हैं ना, तो डेट को स्टोर करता है किसमें पता है? नंबर ऑफ क्या डेज क्या में, डेट नंबर ऑफ डेज नहीं में। जैसे मैं एक डाल दिया और इसके ऊपर मैं डेट का फॉर्मेट दूंगा, मतलब सिस्टम का एक दिन, मतलब कि 1 जनवरी 1900, क्योंकि आपका कंप्यूटर कैलेंडर इसी समय शुरू हुआ था। हाँ नहीं आप क्या बोल रहे थे सुनाई नहीं दिया वो ठीक से। बोला कि आपका जो कंप्यूटर कैलेंडर है वो स्टार्ट कब हुआ था? 1 जनवरी 1900। तो एक्सेल जो एक्सेल में जो डेट के जो डेट जो सॉरी एक्सेल जो डेट को स्टोर करता है ना सर, एक्सेल हाँ जो डेट को स्टोर करता है वो नंबर ऑफ डेज में करता है, नंबर ऑफ डेज में। जैसे एक मैंने आप एक दिन लिखा ना सर, अब एक दिन के ऊपर अगर डेट का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो 1 जैन 1900 दिख रहा है, दिख रहा है सर? मतलब हाँ आपका दिख रहा है कंप्यूटर कैलेंडर 1 जैन 1900 को शुरू हुआ है, 1 जैन 1900 को शुरू हुआ है सर, समझ गए सर? हेलो। हाँ हाँ, सुन रहे हैं आप मेरी आवाज़ की नहीं? हाँ आ रहा है आ रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर 362 दिन डालता हूँ, तो देखिए 367 दिन डाल दिया, तो देखिए ईयर चेंज हो गया। ऐसे 44443 डाल दूंगा तो आ जाएगा 1 जुलाई का डेट, 1 जुलाई का डेट, ठीक है? तो इस तरह से आप अपना डेट को कैरी कर सकते हैं। तो सिस्टम ने ऐसा अच्छा किया क्यों? क्या होता है कि सिस्टम कहता है कि किसी भी डेट के अंदर अगर आपके पास नंबर एंड टेक्स्ट है तो हम इसमें किसी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, बट इसमें तो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेशन 1 जनवरी 1900 पे नहीं हुआ, ये हुआ 1 पे हुआ। इसका जनरल फॉर्मेट क्या है? 1 है, तो ये 1 पे हुआ और रिजल्ट क्या दिया? 21। तो इसलिए क्या होता है, जो डेट है, डेट के जो डेट का जब हम फॉर्मेट लगाते हैं तो वो 31 दिन के बाद मंथ और 367 दिन के बाद ईयर को चेंज कर लेता है। लेकिन जब पेस्ट है, जब वैल्यू करते हैं तो हो जाता है रिमूव ऑल फॉर्मेट्स। क्या हो जाता है? रिमूव ऑल फॉर्मेट्स, और डेट भी एक तरह का फॉर्मेट है, इसे रिमूव कर देता है। तो आप चाहते हैं कि नहीं, डेट की फॉर्मेट होनी चाहिए, तो फॉर्मूला और वैल्यू के जगह पे फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट या वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आएगा, ठीक है सर? हाँ क्लियर है? हाँ ठीक कोई डाउट इसमें? नहीं अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ऑपरेशंस की। जैसे 20 है और यहाँ पे 30 है, अगर 20 एंड 30 को अगर मैंने प्लस करता हूँ तो प्लस हो जा रहा है। आप प्लस में ऐसे भी कर सकते हैं कि राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, इसमें हम ऐड कर देंगे तो देखिए प्लस हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और 50 का मल्टीप्लीकेशन होगा, रिजल्ट आपके सामने पेश हो जाएगा 100। ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 है, इसका सब्ट्रैक्ट होगा 20,000 का और रिजल्ट 980 पेस्ट हो जाएगा। ऐसे पेस्ट स्पेशल में यहाँ डिवाइड करूंगा तो 980 को 20 से डिवाइड करेगा और रिजल्ट यहाँ 49 पेस्ट कर देगा, ठीक है सर? अब हाँ आपके पास दो काम है। अभी मैं अभी एक पीडीएफ जो आपको भेज रहा हूँ जिसमें कॉपी पेस्ट के बारे में चीजें लिखी हुई है, ठीक है? ओके हाँ आप उसको आप एक बार पढ़ लीजिए, हाँ और इसके बाद आपको रिसर्च करना है
कि जो अभी अभी मैंने बताया पेस्ट स्पेशल में अभी अभी जो मैंने आपको मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट बताया, इसका एक्चुअली ऑफिस में क्या रोल है। ठीक है सर, ठीक है। क्लियर है? तो